हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की ऐसी सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इस तरीके का हलवा तो आप रोज रोज बनाकर खुद खाएंगे और मेहमानों को भी खिलाएंगे। तो आइए ये आसान सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। इसे अच्छे से धोकर इसका छिलका निकाल दिया है। हेड एंड टेल पार्ट को काटकर हटा दिया है। कोशिश करें फ्रेंड इसी तरीके की लाल गाजर मिल जाए, इससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है। आज मैं ये हलवा गाजर घिसकर नहीं बनाऊंगी, मैं इसे गोल पीस में काट रही हूँ। आप लंबे पीस में भी काट सकते हैं। हलवा बनाने में हमें गाजर घिसने में ज्यादा समय लगता है, तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से हलवा बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, सभी गाजर को मैंने काट लिया है। अब मैंने एक कुकर लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें गाजर को डालेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूस चलाते हुए घी में अच्छे से भून लेंगे। गाजर को इस तरीके से भूनने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और हलवा भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। गाजर को भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 ग्लास दूध डालूंगी। दूध आप कच्चा या बॉयल कोई भी ले सकते हैं। 3 इलायची को क्रश करके डालेंगे। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसमें 2 विसिल आने देंगे। 2 विसिल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है। ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम काट के लिए इन्हें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। अब इन्हें कंटिन्यूस चलाते हुए 1/2 मिनट तक फ्राई करेंगे और गैस को लो पर रखेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट्स का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। 2 सीटी के बाद गैस को ऑफ कर दिया था, अब इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए, गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। जब हम इसे दबा रहे हैं तो ये आसानी से दब रही है। अब इसे उसी पैन में जिसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसमें निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत घी रह गया है। गाजर को अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। गाजर को हम पूरी तरीके से मैश नहीं करेंगे, इतना कि जब हम हलवा खाएं तो उसी तरीके से लगे जैसे गाजर घिसने पर हलवा बनाने पर लगता है। देखिए, गाजर पूरी तरीके से मैश हो गई है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से गाजर में सूख नहीं जाता। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे। देखिए, दूध पूरी तरीके से सूख गया है। अब इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को गाजर के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा, इससे आप घबराएं नहीं। धीरे धीरे गाजर चीनी के साथ में पकेगी और फिर से ड्राई हो जाएगी। गैस को हम मीडियम पर रखेंगे, इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। देखिए, गाजर का सारा पानी सूख गया, अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इस हलवे को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें 150 ग्राम पनीर को कद्दूकस करके डालूंगी। पनीर को गाजर के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हलवे का कितना अच्छा कलर आया है। पनीर डालने से कितना दानेदार लग रहा है। ना तो मैंने इसमें मावा का यूज़ किया है, ना मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और ना ही बहुत ही ज़्यादा घी का यूज़ किया है। हलवा बनकर तैयार है। गैस को ऑफ करेंगे और इसे दूसरे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी झंझट के गाजर का हलवा बनकर तैयार है। एक बार आप लोग इस तरीके से हलवा ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।